22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में भारी उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यजमान के नाते 11 दिन का अनुष्ठान के नियमों का पालन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या न पहुंचकर देश भर में श्री राम ज्योति जलाने का लोगों से आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि श्री राम के घर वापस आने पर पूरा देश रोशनी से जगमग हो जाए। आइए आपको बताते हैं कि कैसे और कब हुई राम ज्योति की शुरुआत। राम ज्योति की शुरुआत अक्टूबर 2022 में श्री राम जन्मभूमि मंदिर की ज्योति से प्रज्वलित करके ली गई थी। आइए हम आपको बताते हैं कैसे और कब हुई राम ज्योति की शुरुआत। राम ज्योति की शुरुआत अक्टूबर 2022 में श्री राम जन्मभूमि मंदिर की ज्योति से प्रज्वलित करके की गई थी। अयोध्या से राम ज्योति का पहला जत्था राजस्थान के लिए रवाना हुआ था। राजस्थान पहुंचने वाले इस जत्थे का उद्देश्य राम ज्योति को रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान से पहले राजस्थान के 51,000 मंदिरों तक डोर टू डोर पहुंचाना था। वहीं प्रत्येक मंदिर में 108 परिवारों को राम ज्योति को अखंड रखने व 108 दीपक जलाने का संकल्प भी दिलाना था। राजस्थान में इस बार रावण दहन इसी राम ज्योति से किया गया था। समय के लिए कहावत है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता, हमेशा बदलता रहता है। वैसे ही राम ज्योति का भी एक समय ऐसा आया था कि राम ज्योति को रोकने पर हजारों लोग सड़कों पर उतर आए थे। श्री राम मंदिर आंदोलन में शामिल रहे लोग आज भी उस दौर को नहीं भूल पाए हैं। अयोध्या से राम मंदिर आंदोलन को तेज करने के लिए राम ज्योति निकाली गई थी। कहा गया था कि 1990 में दीपावली पर राम ज्योति से सभी अपने घर में दिया जलाकर ले जाएं। इन दियों से ही दीपावली के दिए जलाकर रोशनी होगी। 20 दिसंबर 1990 को राम ज्योति मुजफ्फरनगर से बिजनौर के लिए रवाना हुई। प्रदर्शनी मैदान, हेमराज कॉलोनी व बैराज पुल पर पुलिस ने बैरिकेटिंग लगा दी ताकि कोई बैराज की ओर कूच न कर सके। उसी बीच विद्यार्थी परिषद, आरएसएस समेत अन्य सक्रिय नेताओं ने बैठकें शुरू कर दी। इन बैठकों का असर ये हुआ कि युवाओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। युवाओं के आगे किसी की नहीं चली और युवाओं ने पैदल ही बैराज की ओर कूच कर दिया, जिसे आगे चलकर बिजनौर में रोक दिया गया। बिजनौर में राम ज्योति को रोकने के बाद पूरे पश्चिमी यूपी में राम मंदिर आंदोलन की आग सुलग गई थी। इसके बाद यह आंदोलन फैलता चला गया। हिंदूवादी नेता बैराज पर रोकी गई राम ज्योति को बिजनौर ले आए थे। पूरे जिले में निकलने के बाद राम ज्योति मुरादाबाद के लिए रवाना हुई थी। इस आंदोलन में जिले के तमाम बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया था। अब जानते हैं सनातन धर्म में दीप प्रज्वलित का महत्व। भारतीय धर्म दर्शन में दीप का अपना अलग महत्व है। सनातनियों के त्योहार, दैनंदिनी पूजा पाठ सभी दीपक के साथ रीतिबद्ध रहते हैं। प्रत्येक कार्य के पूर्व दीप प्रज्वलन की अनूठी परंपरा सनातन काल से चली आ रही है।